हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी मेरे जो नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, वो जो हमारी अंतिम सत्र की जो परीक्षाएं हैं, वो लगभग सभी कक्षाओं की संपन्न हो चुकी हैं, जो कि अवसर ऐप के माध्यम से आयोजित की गई हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अपनी परीक्षाएं अवसर ऐप के माध्यम से दी हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो अवसर ऐप के माध्यम से सीधे सेट पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से अवसर ऐप के माध्यम से परीक्षाएं नहीं दे सके हैं और उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से विद्यालयों में करवाई गई हैं। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जिनकी कक्षाएँ ऑफलाइन तरीके से परीक्षाएँ ली गई हैं, उनके मार्क्स सभी विद्यालयों को सेट पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। तो ऐसे मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनको ये समस्या आ रही है कि हम किस तरीके से बच्चों के जो मार्क्स हैं वो सेट पोर्टल पर अपलोड करने हैं। तो आइए आज हम इसी बारे में बात करेंगे, देखते हैं किस तरीके से हम सेट पोर्टल पर बच्चों के मार्क्स को अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा HRM हमारी जो MIS का जो पोर्टल है स्कूल का, उसकी लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेंगे। तो उसे लॉगिन करने के बाद हमें कुछ एक नई स्क्रीन जो होम पेज दिखाई देगा, वो कुछ इस तरीके का होगा, जिस पर हमें ये चार ऑप्शन शो होंगे, MIS, AMS, SET एंड SET डैशबोर्ड। तो हमें तीसरा जो ऑप्शन है SET डाटा एंट्री पोर्टल, इस पर क्लिक करना है। इसके माध्यम से हमारे सभी बच्चों के जिनके हमें मार्क्स अपलोड करने हैं, वो इस लिंक के जरिए अपलोड किए जाएंगे। तो जब ये लिंक ओपन हो जाएगा, तो ये इसके बाद हमें यहाँ से लिंक मिलेगा कि हमें किस तरीके से अपने बच्चों के मार्क्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो इस तरीके का हमें ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, प्रोसीड टू मार्क्स एंट्री। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, तो हमें एक नया यहाँ पर क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के लिए ये दिखाई देगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले हमारा जो एकेडमिक ईयर है 2020-21, वो पहले से सेलेक्ट मिलेगा। यहाँ पर हमें जिस भी क्लास के मार्क्स हमें अपलोड करने हैं, जैसे कि हम जानते हैं पहली और दूसरी कक्षाएँ जो हैं उनके तो हमें मार्क्स अपलोड करने ही करने हैं, साथ में साथ जो और कक्षाएँ जिनके विद्यार्थियों ने ऑफलाइन जो पेपर दिए हैं उनके मार्क्स में हमें अपलोड करने हैं। तो अब मैं सबसे पहले पहली कक्षा का एक ऑप्शन लेके देख लेता हूँ। तो मान लीजिए हमने पहली कक्षा को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। तो पहला हमने सेक्शन ले लिया, इसके बाद हमें कैलेंडर इवेंट में हमें एक ही ऑप्शन शो दिखाई देगा, जो कि मार्च 2021 का होगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद इसमें भी सेलेक्ट मार्क्स एंट्री टाइप में एक ही ऑप्शन है जो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा, जो कि अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए करेंगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप मोबाइल के जरिए आप मार्क्स अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट मार्क्स एंट्री टाइप, इसको भी आपको सेलेक्ट करना होगा। इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड टू एंट्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे कि पहली क्लास है, उसमें तीन ही कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें आप एक एक करके, जैसे पहले आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट ले लिया, इसे सेलेक्ट करने के बाद गेट स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। तो जब आप गेट स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक कर लेंगे, तो जितने भी विद्यार्थी उस सेक्शन के अंदर होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर नीचे शुरू हो जाएगी दिखनी। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले उन उन विद्यार्थियों को आपको सेलेक्ट करना है जो कि आप के एग्जाम में प्रेजेंट थे। मान के अगर हम चलते हैं कि सभी बच्चे अगर प्रेजेंट थे, तो आप यहाँ सबसे ऊपर जो आपको सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन दिख रहा है अटेंडेंस स्टेटस के नीचे, उस पर क्लिक अगर आप कर देंगे, तो आपके जितने भी विद्यार्थी उस सेक्शन के अंदर हैं वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे नीचे तक। अगर सभी विद्यार्थी प्रेजेंट नहीं है, तो आप एक एक करके विद्यार्थियों के नाम और SRN को देखकर उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, जिन भी विद्यार्थियों के आपको मार्क्स चढ़ाने हैं वो आपको सेलेक्ट जरूर करना है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उसके मार्क्स आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ उसके बाद आपको
सीधे लास्ट वाला जो कॉलम है एंटर ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 30, तो 30 नंबर में से जितने भी बच्चे ने प्राप्त किए हैं मार्क्स उतने आप उसके यहाँ पर मार्क्स अपलोड कर देंगे। एक एक करके सभी विद्यार्थियों के मार्क्स अपलोड करने के बाद आप सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे और यहाँ आपको प्रोसीड टू कंफर्मेशन का एक पेज आपको शो होगा। जब आप इसको प्रोसीड टू कंफर्म कर देंगे उसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, वहां सेव करने के बाद आपको फिर दोबारा से क्राइटेरिया सेलेक्ट करके दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स आपको अपलोड करने हैं। तो इसी तरीके से आप अगर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स वहां पर अपलोड करेंगे। इस तरीके से आपका जो बच्चों के मार्क्स अपलोड करने का जो तरीका है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये तरीका पसंद आएगा और आप बहुत आसानी से अपने सभी विद्यार्थियों के मार्क्स सेट पोर्टल पर अपलोड कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और अपने सभी साथी जिनको सेट पोर्टल पर मार्क्स अपलोड करने में समस्या आ रही है उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने सभी विद्यार्थियों के मार्क्स जल्दी से जल्दी सेट पोर्टल पर अपलोड कर सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको जल्दी से जल्दी और ऐसी नई वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। ओके, थैंक यू।